बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, नमस्कार। Assalamu alaikum, good morning everyone. I hope wherever you are, you must be fine and you must be shine. Assalamualaikum, good morning everyone. I hope आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे, टिप टॉप होंगे और फन एंड शाइन होंगे। अरे आना जी, कोई तोड़े है। Sabhi bhai is here with us after the gap of 2 days. Yesterday was his off day, and day before yesterday his team went out of the city to participate in a tournament or a match. So he's here and Mohsin bhai is also here. Good morning to both of you. Assalamu alaikum, good morning. I hope you all well. Aur sare aap dost naraaz hote ho to aisi koi baat nahi hai bhaijan, main inke saath hi hu aur inke saath roz morning ka show karta hu. Bismillahir Rahmanir Rahim, assalamu alaikum, super baat, subah khair, good morning, sat sri akal, नमस्कार। और बड़े दिन हो गए, मैंने आप लोगों को कहना छोड़ दिया, तुसी भी सारे ढिले पै गए यार। ये COVID-19 को बड़ा सीरियस लें प्लीज़, इसको इतना ढीला मत समझें। केसेस इधर पाकिस्तान में भी दोबारा बढ़ने शुरू हो गए हैं, प्लीज़ एहतियात करें, हाथ शाथ साफ करें, मास्क को यूज़ करें और प्लीज़ एक दूसरे का ख्याल करें, एक दूसरे के साथ देखें। थोड़ा सा अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, अभी पीछे बिल्कुल यहाँ से ख़त्म हो गया था पाकिस्तान से, तो थोड़ा सा आप लोग भी एहतियात करें। दुनिया भर में ये इसने दोबारा सर उठाया, प्लीज़ अपना ख्याल करें जी। वाह, मिस्टर मोहसिन अली, यू आर एडवाइजिंग अदर्स टू वेयर द मास्क। वेयर इज योर मास्क बाय द वे? लोग पसंद नहीं करते तो तुम्हें पता है मेरी हर वेले जेब में गड़ गए खा गड्डी पे होता हर वक्त, आपको पता है मेरी आदत का कि गाड़ी में हम जा ही नहीं सकते, यहाँ तो जुर्माना है 500 रुपए कैद है। कल से हम जो है सारे मास्क पहन के बैठे भाई जान, वो लोग नहीं पसंद करते मास्क पहन, 500 रुपए कैद है। आपको नहीं पता कि इस्लामाबाद में क्या? अच्छा जी, उस दिन सभी भाई को मैंने दिखाया, आप जो दूसरों को बोलते हैं मशवरा देते हैं खुद भी करना चाहिए। यार मैं हर वक्त मास्क के लिए, बच्चों के लिए, मेरी जेब में हर वक्त होता है वो इत्तेफाक, मैंने पैंट दूसरी पहन ली यार। एक तो बड़ी अच्छी एक खुशाइन बात है कि जब से कोविड आया है कुछ 8-10 महीने हो गए जब से क्रिकेट चल रही थी, और उस क्रिकेट के बाद जब भी हमने देखा कि इंटरनेशनल मैचेस भी हो, लीग मैचेस भी हो, तो ग्राउंड खाली होते थे, बजाय बस वो CPL में उन्होंने एक वो स्टैंड में डमियां सी रख दी थी फोटोएं बना के, तो पीछे तमाशाइयों की आवाज़ें, उसके अलावा हमें कोई नज़र नहीं आए। तो अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज़ है उसमें ज़रा देखने में मज़ा आएगा। ज़ाहिर है कि क्रिकेट तो हम सब इंजॉय करते हैं, लेकिन वो भी एक अपना ही मज़ा है उसका कि ग्राउंड में जो है लोग बैठे हों, वो देख रहे हों, चेयर कर रहे हों अच्छी शॉट पर, अच्छी विकेट पर, तो वो काफ़ी मिसिंग था, और वी होप कि वो वाले मज़े दोबारा बहाल होने वाले हैं। तो उसके अलावा फिर आपके कुछ मैसेजेस भी आए हुए हैं, कुछ कमेंट्स भी हैं, कुछ कह रही थी ऑस्ट्रेलियन टीम पे भी बात करें, और सारा मिक्सचर आज ज़रा गपशप होगी। तो जनाब मोहसिन अली साहब, कितने आप कौन ऑप्टिमिस्टिक हैं, आप कितने इंथ्यूजियस्ट हैं कि जो लोग हैं वो ग्राउंड में बैठ के मैच देखेंगे? वैसे तो प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं सारे, हमने देखा कि जहाँ जहाँ भी लीग हुई या इंटरनेशनल मैचेस हुए भरपूर अपना 100% ही उन्होंने दिया। जो पहले एक स्पेकुलेशंस थी कि शायद कि अगर इतने लोग बैठ के या तमाशाई बैठ के मैच नहीं देखेंगे तो शायद कि थोड़ा सा मोटिवेशन लेवल जो है खिलाड़ियों का वो थोड़ा सा डाउन हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ स्पेकुलेशन ही रही, इसकी कोई हकीकत नहीं थी। और लोगों ने तो जो प्लेयर्स हैं पूरा प्रोफेशनल अपना खेला, but it's nice to know that the people would be sitting there to watch the match. नहीं, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल agree नहीं करता हूँ कि players जो हैं वो motivated रहे सारा। वो देखें, वो professional हैं, उन्होंने रहना ही था।
लेकिन ऑब्वियसली अभी आपने देखा है कि स्टार स्पोर्ट्स ने जो किया है सर्वे, 23% उनकी व्यूअरशिप बढ़ गई, 23% आईपीएल के दौरान, ये मजाक नहीं था। और अगर तमाशाई होते थे कि तमाशाई जो स्पेक्टेटर्स होते हैं ये इसी तरह है जैसे एक दिल आपकी बॉडी के अंदर होता है जो पूरे जिस्म को ब्लड सर्कुलेट करता है, आपके पूरे जिस्म को चलाता है, तो तमाशाई जो होते हैं आपको मोटिवेट करते हैं। ऑब्वियसली नहीं है, मजबूरी है, कोविड है, कुछ जानबूझ के तो नहीं है तमाशाइयों को बाहर किया। नहीं, तमाशा नहीं होने की वजह से मतलब कुछ खिलाड़ी हल्का खेले, नहीं मैं ये तो नहीं कह रहा हल्का खेले, लेकिन ऑब्वियसली नहीं, वो जोश और वो जो जुनून होता है ना तमाशाई जो ऐड, देखें अपने ग्राउंड में या होम ग्राउंड का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है रिजवान साहब, क्या होता है जी, कि जब आप तमाशाई आपके पीछे 50,000 तमाशाई आपको बकअप करता है, उसकी जो आवाज़ होती है, जो उसकी मोटिवेशन होती है, वो माहौल ही चीयर कर रहे होते हैं आपके लिए, वो माहौल डिफरेंट होता है। ठीक है, मजबूरी थी, अब ये जो 50% अलाउ कर रहे हैं, इट्स अ ग्रेट स्टेप फॉर क्रिकेट, फॉर प्लेयर्स, फॉर स्पेक्टेटर्स, क्योंकि क्रिकेट की या स्पोर्ट्स की असल जान तमाशाई है, जो वरना तो सारे टीवी में बैठ के देख सकते हैं, जो इतने महंगे टिकट्स खरीदते हैं वो क्यों खरीदते हैं, आप देखें विद इन सेकेंड्स टिकट बिक गए, तो ये है जो। और आपने देखा वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हुआ इस दफा, मोर देन 80,000 वुमेन वर्ल्ड कप फाइनल में खेलिए के लिए तमाशाई आए, तो तमाशाइयों की एक अहमियत है, उसको हम इनकार नहीं कर सकते। और मैं समझता हूँ अल्लाह करे आगे चल के ये भी है कि पहले एक दो मैचों में तो 50% है, फिर ये 100% भी कर सकते हैं, इट वुड बी वेरी वेरी नाइस। $30 का टिकट है और बच्चों के लिए $10 का, तो सभी भाई अच्छा है, जरा लोग बैठे होंगे काफी, देखें काफी जो है कोविड के बाद जो है मेरा ख्याल है कि बड़ी बिग चेंज है और ये मिसिंग था इंटरनेशनल क्रिकेट में, इवन डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो क्राउड का जो है ना वो अपना एक इम्पैक्ट है, क्राउड का एक अपना जो है ना वो प्लेयर्स के ऊपर भी और वैसे देखने वालों के लिए भी एक बड़ा इससे फर्क पड़ता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि क्राउड के बगैर खेलने से फर्क नहीं पड़ता, प्लेयर्स भी मोटिवेटेड होते हैं, एक पूरा एटमोसफेयर क्रिएट होता है, और ग्राउंड में बैठ के मैच देखना और क्राउड के अंदर मैच को खेलना इज ए टोटली डिफरेंट क्रिकेट। तो ये एक बड़ा अच्छा जो है ना साइन है, और जैसे आप कह रहे हैं कि आगे जाके 100% भी हो सकता है, तो मेरा ख्याल है कि जितनी बड़ी ये क्रिकेट सीरीज होने जा रही है, दुनिया की बेस्ट जो है ना वो सीरीज होने जा रही है, और विद द क्राउड इवन 50% भी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इंडिया जो 50% भी जो आप कह रहे हैं ना 50 सेकंड मिनट में बिक गए हैं, तो वो सारे इंडियंस नहीं ले लिए होंगे, ऑस्ट्रेलिया में इंडियंस की भरमार है, और ऐसे हो गए जैसे इंडिया अपने होम ग्राउंड में खेल रहा है। ट्रू है बिल्कुल। अच्छा 50 क्या 10% भी तमाशाई हो ना, 10% भी इन दिनों में, पिछले 8 महीने से लोग तरस रहे हैं, मैं समझता हूँ बड़ा इम्पैक्ट होगा, और मैं इस बात को बिल्कुल इंडोर्स करता हूँ कि मेजोरिटी ऑफ इंडियंस वुड हैव बॉट द टिकट्स, ये सही कह रहे हैं आप। यश कुमार वो ये बात कर रहे थे जी, ऑडियंस इज बैक एंड टिकट्स आर गेटिंग सोल्ड फॉर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, तो ये भी आपका भी मैसेज। $30 क्या, $300 का भी लोग खरीद लेते हैं, जो हालात है, खरीदते हैं हमने वर्ल्ड कप में देखा। एक बंदा कह रहा है जी टॉक अबाउट मैक्सवेल और सहवाग कंट्रोवर्सी, सहवाग ने शायद उनको बोला कि जी वो चेयर लीडर वाला काम किया, मैक्सवेल ने परफॉर्मेंस ही नहीं आई उनसे और इतने पैसे उन्होंने लिए हैं, तो उसके जवाब में कुछ मैक्सवेल ने भी ऐसा बोला है, तो यार मैं समझता हूँ हमें कंट्रोवर्सी, वो ग्रेट प्लेयर हैं, वी शुड नॉट टॉक अबाउट दिस, लीव इट, हमें क्या जरूरत है हम कंट्रोवर्सीज को, हम पॉजिटिव्स को क्यों ना डिस्कस करें। अच्छा जी टीम मैं उसकी निकालता हूँ, सॉकर वाली नहीं, कह रहे ऑस्ट्रेलिया की टीम पे बात, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि आईसीसी ने कल सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाली थी और उसमें उन्होंने बताया जी 239 इनिंग्स, 11,867 रन्स एट द एवरेज ऑफ 59.33 इन ओडीआईस विराट कोहली, तो 133 रन शॉर्ट हैं ये, 12,000 रन्स ओडीआई रन्स जो हैं इनके हो जाएंगे, सेकंड इंडियन बैट्समैन आफ्टर सचिन तेंदुलकर टू डू दिस, वो तो 18,000 प्लस पे हैं तेंदुलकर साहब, और वो उन्होंने ये पूछा कि क्या जी ये जो सीरीज है अभी 3 मैचों की ओडीआई सीरीज उसमें ये 133 रन्स कर लेंगे, तो मेरे ख्याल में तो इनको जो इनकी एवरेज है आप ज़्यादा या कम ना भी लगाएं तो 2.25 मैचेस में ये कर लेंगे, और 2.25 भी नहीं 2.10 मैचेस में ये कर लेंगे जो इनकी एवरेज सुजेस्ट करती है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन ऑस्ट्रेलिया
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म के बैट्समैन हैं। और सभी भाई पिछले जब से इनका डेब्यू हुआ है तो उसके बाद से तो फिर मुड़ के नहीं देखा इन्होंने। अब इनका करियर तो तकरीबन यही है, 10 11 12 साल पे मुहित है, लेकिन जब इनके स्टैट्स देखते हैं हम तो कई बड़े नाम दुनिया क्रिकेट के जो खेल के चले भी गए, रिटायर भी हो गए, लेकिन जब इनके स्टैट्स का आप मुआवजना करते हैं तो ऐसा लगता है शायद कोहली तो कोई 15-18 सालों से खेल रहे हैं, क्योंकि स्टैट्स इतने लाजवाब हैं। नहीं बिल्कुल, देखें ये जो स्टैट्स हैं और इतने कम वक्त में और इतने क्विक जो है ना, नंबर ऑफ सेंचुरीज, नंबर ऑफ टोटल रन्स और फिर जो सक्सेस इसको मिली है, मेरा ख्याल है कि ये ह्यूज है और ये इट शोज़ के इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर। और नो डाउट अबाउट इट कि जो अगर आप जैसे अभी तेंदुलकर की बात कर रहे हैं, जैसे अभी 12 रन जो है ना, 1000 रन जो है वो ODI में होने वाले हैं, को 3 ODI में करेंगे कि नहीं करेंगे, क्वेश्चन ही मेरे तो बड़ा अजीब सा लग रहा है कि ICC को इतना क्वेश्चन करने की क्या ज़रूरत थी। वो क्या उन्होंने IPL की फॉर्म देख के शायद उन्होंने ये क्वेश्चन कर दिया है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि वो पहले 2 वनडे में ये जो है स्कोर कर लेगा। 130 प्लस स्कोर जो है ना, वो इतना बड़ा स्कोर नहीं है, लेकिन यू नेवर नो इन क्रिकेट। लेकिन जो उनकी रेपुटेशन है और जिस तरह का वो मोटिवेटेड प्लेयर है, जिस पैशन से वो क्रिकेट खेल रहा है अभी तक, देखें जो सबसे बड़ी बात अगर आप देखें, अगर आप कोहली का पहला मैच देखें और कोहली का लास्ट मैच देखें फॉर द इंडिया, वो एक एक्साइटमेंट से, एक ही पैशन के साथ वो मुसलसल बढ़ के वो बढ़ ही रही है। उसकी जो हंगर है, उसकी जो रन्स करने का जो भूख है, वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। दैट इज़ व्हाट वर्ल्ड क्लास प्लेयर इज। जी भाई ठीक कह रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उनको कर लेनी चाहिए, 3 मैच इज मोर देन इनफ फॉर अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर एंड हिज स्टैट्स, हिज इनिंग्स, हिज पैशन, हिज मोटिवेशन। मैं समझता हूँ आप कह रहे हैं कि उतनी है, मैं समझता हूँ बढ़ गई है विद एवरी पासिंग, ईच एंड एवरी पासिंग डे। एंड ऑब्वियसली समवेयर बैक ऑफ हिज माइंड, देखे ये कोई बंदा कहे तो वो झूठ बोलेगा कि उसके बैक ऑफ माइंड में नहीं होता कि मैंने फलाना टाइटल जीतना है, मैंने फलाना टाइटल। डेफिनेटली ये उसको और मोटिवेट करता होगा और ज़्यादा। इस वक्त उसे पता है डाउन अंडर है, और जब भी डाउन अंडर में कोहली गए हैं, जब भी गए हैं, उनकी परफॉर्मेंसेज जो होती हैं वो लाजवाब होती हैं हमेशा। उनका बैट जो है, उनकी फील्ड में प्रेजेंस जो है, उनकी कप्तानी जो है, और जो उनका एक्स्ट्रा पैशन है क्रिकेट के लिए, उसका सेकेंड टू नन होता है। बिल्कुल कर लेने चाहिए, कर लेंगे, मुझे कोई शक नहीं है कि वो ज़रूर करेंगे। और फिर जब देखिए IPL या फ्रेंचाइज क्रिकेट या डोमेस्टिक क्रिकेट इज समथिंग डिफरेंट व्हेन यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री, वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है। और फिर जब उसे पता है कि मेरे पास हिटमैन नहीं है, तो उसको पता है कि मेरे ऊपर डबल जो है ना जिम्मेदारी है। मैं नहीं समझता कि 138-40, मैं बिल्कुल सभी भाई को सेकंड करूंगा कि ICC का ये सवाल बचगाना है कि वो क्या करेंगे या नहीं। ICC को ये पूछना चाहिए था कि कितने रन मजीद करेंगे, ये सवाल बनता था। नहीं, उन्होंने वो एक्चुअली 12,000 में से जितने शॉट है उतने लिख के बोला जी, ये इतने कर लेंगे, 3 तो, इनिंग्स में कहा है ना उन्होंने। अब वो कहा कि सीरीज में कर लेंगे ये जो जितने उनके रहते हैं। सवाल उसी तरह है, आप इधर कर लें उधर कर लें, क्वेश्चन यही है कि 138 कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, 133 वही जो भी 130 ऑड रन्स है। अच्छा जी, हमने वैसे जब स्क्वाड अनाउंस हुआ था ऑस्ट्रेलिया का, तो उस वीडियो पे हमने थोड़ी कॉम्प्रिहेंसिव बात की थी ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड पे, बट कुछ दोस्त कह रहे थे कि शायद हमने उस पर, उन्होंने शायद वीडियो नहीं देखी होगी, तो वो कह रहे थे आप उस पर दोबारा बात करिए। तो सरसरी सी बात हम दोबारा कर देते हैं। वैसे तो स्क्वाड पे वन बाय वन तो हमने इंडिया की भी बात नहीं की वैसे अभी, लेकिन चूंकि वी ऑल नो इट्स ऑन फिंगर टिप्स क्या क्या करेगा, वैसे तो ऑस्ट्रेलिया का भी है, लेकिन फिर भी हम, लेकिन रिजवान भाई जो फर्स्ट वनडे से पहले दोनों टीमों पे बात करेंगे, दोनों टीमों पे जो है ना हम जरूर 1-to-1 एक प्लेयर पे बात करेंगे, एक्सपेक्टेड आपको टीम भी बताएंगे कि ये टीम इंडिया की हो सकती है, ये ऑस्ट्रेलिया की हो सकती है, तो उस पर डिटेल जरूर बात। मैन टू वॉच कौन हो सकता है, हु विल बी द सरप्राइज पैकेज, हु विल बी द डार्क हॉर्स, ये सारी बिल्कुल आपसे जरूर शेयर करेंगे। चले अभी तो बताएं, ठीक है आप ठीक जा रहे हैं। बंस को मोस्ट लाइकली खिलाएंगे ऑस्ट्रेलिया वाले, क्योंकि पैकिंग है पॉन्टिंग की, पॉन्टिंग ने भी बोला है, और मुझे उनकी बात पे वैसे थोड़ा वजन नजर आया है, क्योंकि बंस जो है पिछले कुछ अरसे से खेल रहा है ऑस्ट्रेलिया के लिए, पिछले कुछ मिली जुली परफॉर्मेंस रही है, लेकिन सभी भाई उसने पॉन्टिंग का ये कहना है
कि वो जो नया प्लेयर क्या नाम है क्वास्की, क्वास्की क्या उसका तो सेंसेशनल सीजन हुआ है ना ये, मतलब एक नया आ रहा बच्चा उनका, उसने 200 यानी कि 2 मैचेस में उसने 500 स्कोर हो गया, वो स्क्वाड में अनाउंस हुआ है। काफी स्पेकुलेशंस थी और कि उसको खिलाएंगे और लेकिन पोंटिंग साहब कह रहे हैं कि नो आई विल गो विद बंस बिकॉज एक तो वो ये कह रहे हैं कि वो समझते हैं कि वो सॉलिड प्लेयर है और परफॉर्म करेंगे, कंसिस्टेंट उनको रन देना चाहिए। उनका ये कहना है कि एक बंदा अगर टीम में खेल रहा है तो बहुत बुरी परफॉर्मेंस भी नहीं है तो फिर उसको थोड़ा मजीद रन देना चाहिए, बजाय इसके कि एक जो डोमेस्टिक में आ रहा है जिसका बिल्कुल एक्सपीरियंस ही नहीं है, वहाँ पर अच्छा कर रहा है तो आप उसको रिप्लेस कर दें, तो गिव हिम सम एक्सटेंडेड रोप। खैर उनकी राय है, बर्न्स जो है वो उनके ओपनर होंगे, ठीक अप्रोच है ये उनकी जी? नहीं बिल्कुल 100% मैं पोंटी के साथ जाऊंगा। उसकी वजह एक ये है कि देखे उन्होंने वस्की जो भी नाम से इतना ले नहीं रहा, वो उसने हैविली रन्स किए, उसको वो टीम में ले आए। देखे ये ऑस्ट्रेलियन एक स्ट्रेटजी है, अब उसके टीम्स के आने से क्या फ़ायदा हुआ, एक तो उसको इनकरेजमेंट हुई कि वो ड्रेसिंग रूम में आ गया ऑस्ट्रेलियन टीम की, दूसरा इन द डोमेस्टिक एक मोटिवेशन आ गई कि डोमेस्टिक में अगर आपने हैवी रन्स किए तो यू कैन जंप इन द ऑस्ट्रेलियन टीम। लेकिन अब वो क्या, वो देख रहे हैं फ्यूचर की तरफ। अब पोंटी कह रहा जी कि मैंने जो है ना वो रन्स कर रहा है मतलब चाहे जितने भी कर रहा है तो उसको टीम में अभी और चांस मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। बहुत दफ़ा ऐसे हुआ है ऑस्ट्रेलिया ने बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स को टीम में लाए हैं, टेस्ट दिया है इंटरनेशनल क्रिकेट का, फिर वो डोमेस्टिक में गया, फिर जब वो दोबारा आया तो वो फिर लंबे अरसे के लिए खेला, ये हैपन ठीक है। और फिर वार्नर है, वी नो हाउ डेंजरस ही कैन बी अनटिल अनलेस इफ ही इज प्लेइंग अगेंस्ट इंग्लैंड नाउडेज, इंग्लैंड के खिलाफ तो ब्रॉड ही नहीं छोड़ता, और फिर आर्चर भी मौजूद है, लेकिन खैर पाकिस्तान के साथ खेल के वो टेस्ट में फॉर्म में आए हुए थे, 300 ठोका उन्होंने पाकिस्तान को लास्ट जब पाकिस्तान गया था वहाँ खेलने के लिए। वार्नर इज़ अ डेंजरस प्लेयर, इंडीड ही इज़। और फिर जी उसके बाद लबुशेन, आजकल आपको पता ही है कि कितने बेहतरीन किस्म का बैट्समैन है, और फिर स्मिथ वन एंड ओनली, और एवरेज उनकी सजेस्ट करते हैं आपको, हम शायद कल ही बता रहे थे कि 83 की एवरेज है उनकी अगेंस्ट इंडिया खेलते हुए, वन ऑफ द फेवरेट ऑपोजिशन है उनकी, 700 उन्होंने बनाए हुए अगेंस्ट इंडिया ओनली इन टेस्ट क्रिकेट। फिर बाकी जी इनके हेड है या वेड खेलेगा, ट्रेविस हेड खेलेगा या मैथ्यू वेड खेलता है, अब देखो दोनों ही ठीक है, अच्छे हैं। फिर उसके बाद जी उनके कैप्टन है टिम पेन, और कप्तानी इनकी इंडिविजुअल बात करें तो कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म के ये प्लेयर नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब बैटिंग की मैं बात कर रहा हूँ, मेडियोकर से है, लेकिन मजना बस रहे हैं कोई गलत बात नहीं, तो बहुत लेकिन टीम को लेके अच्छा चले इन एब्सेंस ऑफ जो भी इनके दो बड़े खिलाड़ी थे, अभी भी उसी की वजह से अभी तक इनको कंटिन्यू किया हुआ है, और एशेज भी ये जो है वो आपको पता ही है कि रिटेन किया इन्होंने, तो ठीक है अच्छा लेके चले हैं टीम को। फिर उसके बाद जी बात करें आप फिर स्पिनर नथन लॉयन, हमने कल ही बात की थी, वर्ल्ड क्लास लॉयन जो है उनकी सेकंड टू नन, हाँ और स्पिनर एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म के हैं ये अच्छे, और हर जगह पे प्रूवन स्टफ, हर जगह ये नहीं है कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, अगेंस्ट ऑन एवरी टाइप ऑफ पिच सिंगल ओपोनेंट इसने परफॉर्म किया है, एवरी कंडीशन में इसने परफॉर्म किया है, हर मुल्क में इसने परफॉर्म किया है। तो फिर जी आप देख रहे हैं फिर फास्ट बॉलर्स आ जाते हैं, स्टार्क्स हैं, कमिंस हैं, हेजलवुड हैं, हेजलवुड की बात करें तो बिल्कुल इनके स्टैट्स जो है मैग्रा के बिल्कुल साथ साथ मिल रहे हैं भाईजान, जितनी उसकी बॉलिंग एवरेज थी उतनी इसकी है, जितनी इकॉनमी से वो करता है सर अभी तक तो टू अर्ली, आप क्या कह रहे हैं, जितना भी उसको 4-5-6 साल खेलते हुए हो गए हैं उसका मुआवजना उन्होंने जितने मैचेस मैग्रा के थे उतने अरसे में या उतने उसमें, तो बिल्कुल जितनी विकटें आसपास हैं, इकॉनमी भी सेम है, स्ट्राइक रेट भी ऑलमोस्ट सेम है, तो लाइन और लेंथ भी उसी तरह पकड़ लेता है, तो भाई अपनी लाइन और लेंथ छोड़ता नहीं है, ठीक है। और बॉलिंग जी इसके अलावा फिर कमिंस दुनिया के बेस्ट बॉलर है व्हेन इट कम्स टू टेस्ट क्रिकेट, और मिचेल स्टार्क वी नो हाउ डेडली हिज यॉर्कर्स कुड बी,
तो भाई जान कैसा है? फिर पहले बॉलिंग अटैक पे बात कर ले, मिचेल स्टार्क और कमिंस, हेजलवुड और स्पिन बॉलर भी जो है नेथन लाइन। देखिए अभी आपने एक प्लेयर भूल गए, पेटरसन, ज़ैम्पा। किसी भी टीम के पास इस तरह के तीन चार फास्ट बॉलर जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, पेस और विकेट टेकिंग एबिलिटी। जी जी, ये तीनों चीज, दोनों चीजें जो है ना इन सारे बॉलर्स में है। नेथन लाइन जो है वो हमेशा देखें जहाँ पे भी विकेट की जरूरत पड़ी है उसने हमेशा आउट किए, और वो कोई कंडीशंस का बॉलर नहीं है कि स्पिन को असिस्ट मिल रही है तो वो आउट करेगा, या लेकिन अच्छे जब थोड़े बाउंसी ट्रैक्स हैं, स्पिन कम है, फ्लाइट के साथ करता है, फ्लाइट में इसके बड़ी अच्छी वेरिएशन है, छोटी फ्लाइट, बड़ी फ्लाइट, आगे थोड़ा पीछे बाउंस लेता है फिर पिच के हिसाब से, और बड़ा इफेक्टिव है। 500 विकेटों ये भी जो है ना तेरे तरफ जा रहा है, और बड़े अच्छे, मतलब है कि इस कंडीशन में ऑस्ट्रेलिया की टीम में किसी स्पिनर्स का शेन वॉन के बाद इतने ज़्यादा विकेटें लेना ये कोई आसान नहीं है, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा विकेटें फास्ट बॉलर्स में शेयर हो जाती हैं तो वहाँ पे इसने अपनी प्रेजेंस को कायम रखा और एक लंबे अरसे से खेल रहा है, और ये इंडिया के लिए काफ़ी डिस्टर्बेंस करेगा इन टेस्ट क्रिकेट। ठीक है, स्पिनर्स को देखें, हमारे जो सब कॉन्टिनेंट के प्लेयर हैं हमने देखा है ट्रेडिशनली बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो स्टाइल अब जरा थोड़ा सा पिछले कुछ सालों से बदल गया है। ऑब्वियसली ही इज ए वेरी लीडल स्पिनर, बहुत चलाक है, बहुत क्लेवर है, बिल्कुल नहीं घबराता हवा देने से, जो आजकल के स्पिनर्स को हम बहुत बुरी तरह मिस कर रहे हैं। स्पिनर्स अब हवा नहीं देते, हमने चाहल को देखा है, हमने ज़ैम्पा को देखा है, ये हवा देते हुए नहीं डरते। बाकी अश्विन को हमने देखा, वो तो बिल्कुल ही नहीं घबराता ना, वो तो हवा देता है, वरना हमने ये देखा कि स्पिनर इतना घबराता है वो कंटेनिंग की तरफ जा रहा है, हालांकि स्पिनर का रोल होता है विकेट टेकिंग, नॉट कंटेनिंग। कंटेन आप कर ही नहीं सकते, स्पेशली वन डे T20 में, फॉरगेट अबाउट कंटेनिंग, यू हैव टू गो फॉर द विकेट्स। बहुत अच्छा बॉलर है, कोई शक नहीं, कमिंस है, लायन है, हेजलवुड है, फिर आपका स्टार्क, वेरी वेरी मच प्रूवन स्टफ, इतना डेडली होता है कि वो नहीं खेलने देता है। ठीक, सही है जी, सही कहा। भी बुरा नहीं है इनका, हाँ, ये चार पांच बॉलरों से भी जा सकते हैं, यू नेवर नो विद दैट। वैसे जैसे ही मैच स्टार्ट होगा, अभी एक्चुअली पहले ODIs मैचेस होने हैं, फिर उसके बाद T20 मैचेस होने हैं, उसके बाद जाके टेस्ट मैचेस होने हैं। इनफैक्ट जो आखिरी दो T20 है ड्यूरिंग दोज, 6 तारीख से पहला प्रैक्टिस मैच स्टार्ट हो जाएगा, इंडिया ए का और ऑस्ट्रेलिया ए का, फिर उसके बाद जो एक मजीद प्रैक्टिस मैच है उसमें मतलब इंडिया की टीम की प्रैक्टिस होगी, वो भी 3 रोज़ा मैच है, तो फिर उसके बाद जाके 17 तारीख को आई गेस के पहला टेस्ट मैच है। तो देयर आर सो मेनी डेज लेफ्ट, इंशाल्लाह वी विल डू अ कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ ऑल द प्लेयर्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन टीम एंड इंडियन टीम। अच्छा जी, अनूप कुमार साहब कह रहे हैं जी MS धोनी ने अपील किया BCCI को कि रोहित शर्मा शुड बी इंक्लूडेड इन ODI T20 स्क्वाड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन ODIs, क्योंकि वो कह रहे हैं जी इंजरी इतनी से नहीं है स्ट्रॉन्ग, क्योंकि IPL का फाइनल भी खेले हैं और बेंगलुरु में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो ऑस्ट्रेलिया में कर लें। अच्छा, आई एम नॉट अपडेटेड कि उन्होंने ऐसी रिक्वेस्ट की है, तो अब इस पर मैं क्या कमेंट करूं, लेकिन अगर ऐसी बात हुई है, भाई हम इस पर बात कर चुके हैं कि रोहित शर्मा जो है वाइड बॉल के लिए इंडिया के लिए इज वेरी वेरी इफेक्टिव, तो उसको होना चाहिए। अगर धोनी भी कह रहे हैं, धोनी इज अ बिग नेम फॉर इंडिया, तो अगर धोनी ने ये बात की है तो मेरा ख्याल है कि ये इसको बात को ऐसे इग्नोर करने वाली नहीं है, क्योंकि ये तो फॉर श्योर है कि रोहित शर्मा जो है वो वनडे और T20 में मिस करेंगे इंडिया। नहीं, ऑब्वियसली वो तो करेंगे, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि इसका मुझे कंफर्म नहीं है कि धोनी ने बोला कि नहीं, क्योंकि मैं तो हेडलाइन देखता हूँ क्रिकेट की जो, और फिर धोनी ने पूरा इंटरनेशनल स्कूल्स का ना अपना सिस्टम लॉन्च कर दिया है, और अब वो बेंगलोरों में भी स्कूल अपना बना रहे हैं, बड़ा हाई फाई के साथ। जसपाल कौर कौर हैं, तो फिर आई गेस फीमेल जसपाल कौर नाम, तो मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, जसपाल कौर। अच्छा, बहरहाल ऑस्ट्रेलियन कह रहे थे कि उस पर भी बात करें, ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड पे हमने बात कर दी, वैसे जब अनाउंस हुआ था हमने इससे ज्यादा डिटेल में उस पर तब बात की थी, आपको प्लेयर्स का काफी डिटेल में बताया था।
कुशाल वो भी पूछ रहे हैं कि जी रोहित शर्मा शुड बी एडेड टू द ओडीआई स्क्वाड, चांसेस आर दैट ही विल प्ले. अच्छा वो बता रहे हैं चांसेस आर ही विल प्ले ओडीआई टू एंड व्यू ऑन दिस. आई डोंट थिंक दैट ही वुड बी एबल टू प्ले इट. अब 21 आज हो गई है, क्वारंटाइन भी होना है, वो गया नहीं है, कैसे? He is in India. He has to go to Australia. Then there is like बड़ा स्ट्रिक्ट है वहाँ पे क्वारंटाइन का. Couple of weeks क्वारंटाइन. 2 weeks. And, I don't think that he would be able to participate in अगर आज भी चला जाए तब भी पहला वन डे, दूसरा वन डे, तीसरा वन डे बहुत मुश्किल. हाँ, और T20 खेल ले तो कह नहीं सकते. T20 का भी जाके खींच खांच के कोई एक आधा मैच, but I am not seeing him playing in white ball cricket for India at least in this series. बहुत मुश्किल है, मुश्किल काम है, impossible है अब तो. हाँ जी, ये मुश्किल काम है. और मैं आपका कोई बात करें मौसम भी, मैं कमेंट निकालता हूँ. सूर्य कुमार यादव का कल जनाब चल रहा था इंटरव्यू विक्रांत गुप्ता साहब के साथ जी जी. और विक्रांत गुप्ता ने कहा कि देखे बड़ी ही गजब के सवालात और बड़े ही गजब के जवाब थे. सूर्य कुमार ने कहा कि मैं जिम में था, मुझे पता था टीम अनाउंस होने वाली है इंडिया की, तो मैं कोशिश कर रहा था कि मैं उस तरफ ध्यान ना दूं, जिम कर रहा हूं. लेकिन कहता बैक ऑफ द माइंड बिल्कुल सही था कि बड़ा ऑनेस्टली उसने कहा कि बैक ऑफ द माइंड जो था मेरे चल रहा था कि टीम आ रही है, और कहता फिर टीम अनाउंस होगी. इन द मिडल ही था, मेरे से जिम नहीं हुआ, फिर मुझसे ना खाना खाने हुआ, फिर बड़ा मैं ऑब्वियसली मैं डाउन हुआ. बड़ा अजीब सा लगा कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, डोमेस्टिक में भी मैं परफॉर्मेंसेज दे रहा हूँ, IPL में भी मुसलसल मैं परफॉर्मेंसेज दे रहा हूँ, और इट वॉज हर्टिंग फॉर मी. और बड़ा मेरा कहता फिर टीम के लोग मेरे पास आए, मुंबई इंडियंस के, उन्होंने कहा यार कोई बात नहीं. और अगले दिन जो मैच था वो था RCB के साथ, कहता है नथिंग लाइक दैट कि आप उनके खिलाफ खेल रहे हो, इतनी बड़ी टीम है और हमें पता था हम टॉप टू में आ जाएंगे अगर हम ये मैच, कहते लेकिन मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं था, फ्रेंकली स्पीकिंग आई वॉज नॉट मेंटली प्रिपेयर, ऑब्वियसली बैक ऑफ द माइंड मेरे ये चीज़ें चल रही थी. कहता लकीली ये हुआ कि टॉस जो है, मतलब बैटिंग जो है ना, उन्होंने कर ली, हमें पता था टारगेट क्या है, और फिर सारा वो जो है रेस्ट इज द. कहता फिर मैं पूरा, मुझे ऐसे लगा कि यही जगह है जहाँ पे मैंने साबित करना है अपने आप को. कहता फिर मैंने, उन्होंने फिर विक्रांत ने पूछा कि आप कोहली ने जो, कहते नहीं कोहली ओवर द ईयर्स ऐसे ही हैं, बेहतरीन है, उनका एग्रेशन जो है वही उनकी क्रिकेट की. कहते बाद में उन्होंने मुझे मुबारकबाद भी दी और सारी चीज़ें. कहते ऑब्वियसली जब हम मैच खेल रहे होते हैं तो ये होता, लेकिन देखें इसमें सारी गुफ्तगू जो थी ना स्काई की, उसमें एक पॉइंट है जो सबके लिए है, चाहे वो बूढ़ा है या जवान है, जो अपकमिंग प्लेयर्स हैं किसी भी स्पोर्ट, मोटिवेशन मत छोड़ें, रिजेक्शन पे मत जाएं, और दिल को कभी ना कमजोर करें, हमेशा ट्राई ट्राई. कहता मुझे बड़ा बुरा लगा कि मैं इतना परफॉर्म किया, लेकिन देखें अगले ही दिन उसने साबित कर दिया टीम. देखें हमने देखा टीम जब अनाउंस हुई कई प्लेयरों की परफॉर्मेंसेस जीरो हो गई, जो नहीं आ सके आपने देखा है, कुछ की बहुत अच्छी रही. तो यही बात होती है भाई जिंदगी में, कभी भी चांसेस सबको मिलते हैं, किसी को जल्दी मिलता है, किसी को देर से मिलता है, ये एक निज़ाम है. कभी कभी आप समझते हैं एक एरा ऐसा आ जाता है जिसमें जब एक जैसे प्लेयर आते हैं तो दूसरे प्लेयर के साथ हो जाती है, जो हमने पाकिस्तान में भी देखा है. सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी सूर्य कुमार यादव की वो यही थी कि उन्होंने अपने आप को गिरने नहीं दिया, अपने आप को उठा के रखा. यही मेरा मैसेज है आप सबके लिए, अपने आप को गिरने मत दें, ट्राई ट्राई अगेन, फाइनली यू विल विन द रेस. भाईजान बात हो रही है कि टीम में सिलेक्शन नहीं हुई थी और परफॉर्मेंस उन्होंने अच्छी आई है, तो असद शफीक साहब ने कल शो कर दिया. हाँ। और जो न्यूजीलैंड टीम जा रही है टेस्ट में, वो खेलते हैं पाकिस्तान की तरफ से, और काफ़ी अरसे के बाद उनको टेस्ट से ड्रॉप किया गया. और कल उन्होंने जो पाकिस्तान के यहाँ पे डोमेस्टिक चार रोज़ा क्रिकेट चल रही है उसमें सिंध की तरफ से खेलते हुए उनकी सेंचुरी आई है. और लेकिन देखिए कि 8 इंटरनेशनल मैचेस के बाद और तकरीबन 12 फर्स्ट क्लास मैचेस के बाद आई है. लास्ट आई थी उनकी ऑस्ट्रेलिया ए के साथ आई गेस खेलते हुए January 2019 में या कुछ ऐसा, मतलब काफ़ी लंबा अरसा गुजर गया. तो सर अच्छा है, ज़रा उनकी भी सेंचुरी आई है, उन्होंने प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं, मतलब हैं तो अच्छे, लेकिन फॉर्म भी इतनी अच्छी नहीं थी. डिबेटेबल है कि उनको निकालना चाहिए था कि नहीं स्क्वाड से, लेकिन इस पे तो हम डिबेट कर चुके हैं. हाँ, कि इस टूर के ऊपर इसको एज एक्सपीरियंस प्लेयर साथ रखना चाहिए था. ठीक है, लेकिन अब अगर देखें जो अभी एक मिनट पहले ही बात हुई है मोटिवेशन की या कुछ है, तो मेरा ख्याल है कि अब ये उसके लिए भी अच्छा हुआ कि अगर वो टीम से ड्रॉप हुआ कि उसको भी पता चला कि आई एम नॉट फॉर ग्रांटेड,
कि मैंने अब खेलना ही खेलना है, अब मैं टीम से बाहर भी हो सकता हूँ. अब टीम से बाहर होने के बाद उसने उसको पॉजिटिव लिया एंड ही स्टार्टेड परफॉर्मिंग, और इतने अरसे के बाद अब उसकी सेंचुरी आई है इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट, तो ये अच्छी चीज़ है. तो इसी को अब वो कैरी ऑन करे, बड़ा शो करे, उसके बाद दोबारा परफॉर्मेंस करे, तो वापस भी आ सकता है, इसमें कौन सी ऐसी बात है. सही है. और बाबर आजम ने कल बड़ा फोटोशूट वहाँ पे पीसीबी वालों ने करवाया, मतलब पूरा मॉडल शॉडल बना दिया, सूट शूट पवा के एनकश एनका, ये ऐसे है टाइम शेम देख रहे हैं ये वो, मतलब अच्छा लगा देख रहे हैं क्या अच्छा टाइम चल रहा है, आगे न्यूजीलैंड आ रहा है, वो ही देख रहे हैं सर. लेकिन एक जो चीज उसने उसके बाद मेरा ख्याल शायद उसकी प्रेस टॉक भी थी, थी, थी. तो एक जो चीज उसमें उसने कही है ना कि जो जो है ना मेरे दिमाग में बैठ गई है कि वो उसको अभी नहीं करनी चाहिए थी. क्या कहते हैं? उसने कहा था कि मैंने बड़ा लंबा अरसा पाकिस्तान की कप्तानी करनी है. अच्छा, ये उसने बात की है. तो इस तरह की बात मेरा कल रिजवान ने भी शाम को मुझे कहा था कि उसे इंश्योरेंस दिया पीसीबी ने. मैंने कहा यहाँ पे रात को इंश्योरेंस का नहीं पता चलता. मिसबा को भी बड़ी इंश्योरेंस दे के लाए थे, सारों को इंश्योरेंसेस दे के लाए थे, लेकिन सुबह होती है मुदस्सर पाजी को कोई भेज सकता था घर, तो ये कोई इंश्योरेंसेस नहीं होती. और बड़ा खौफनाक बयान है, नहीं देना चाहिए. अभी तो आपका टेस्ट शुरू ही नहीं हुआ, अभी तो रियल टेस्ट न्यूजीलैंड में शुरू होना है. आप जाएंगे, आप इन लोगों को जानते हैं पाकिस्तान में कि ये क्या करते हैं आपके साथ. यू शुड हैव परफॉर्मड फर्स्ट. अच्छा नहीं, जो मैं समझाऊं कि प्रॉब्ली ही वांटेड टू से कि लाइक दे हैव गिवन मी एश्योरेंस दैट डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट ऑफ द सीरीज टू सीरीज, ट्राई टू डू योर बेस्ट एंड यू आर कैप्टन फॉर इमरान खान है, आपको पता है रिटायर हो गए थे 87 के बाद. प्रेसिडेंट जियाउल हक ने उनको स्पेशल रिक्वेस्ट करके बुला के खिलवाया था, वेस्ट इंडीज भी वो गए थे. लेकिन मोहसिन भाई सिंपल सा इसका आंसर है, पहली बात है ठीक है, जैसे कह रहे हैं पीसीबी ने इंश्योरेंस दे दी है, ठीक है, क्या इसको अपनी परफॉर्मेंस की इंश्योरेंस है? नहीं. क्या इसको अपनी टीम की परफॉर्मेंसेस की इंश्योरेंस है? नो. कि देखे ना, अगर आप एक सीरीज हारे हैं, दूसरी सीरीज हारे हैं, तो यही लोग जो नहीं छोड़े सीरीज. सरफराज अहमद कितना अरसा छुपा रहा, जब आप जीत रहे थे उसकी अपनी परफॉर्मेंसेस क्या थी? जीरो. लेकिन जब पाकिस्तान की टीम डाउन होना शुरू हुई तो फिर क्या हुआ? तो ये मेरा अपनी परफॉर्मेंस की तो उसको मेखल में इंश्योरेंस है, टीम की नहीं होगी. अपनी यू कांट बी 110% श्योर, बट यू कैन बी 100% तो कोई भी नहीं, कौन हो सकता है. मैं ये कहता हूं किसी भी प्लेयर पे बैड पैच आ जाता है. अभी आपको कप्तानी, यू शुड बी फोकस्ड ऑन द टास्क अहेड. आई पर्सनली फील सो, बट आई बिलीव के उसको ठीक है. अब मैंने एग्जैक्ट तो नहीं सुना अगर उसने ऐसा बोला, लेकिन बेस्ट ये है कि जो परफॉर्मेंसेज है वो ही जरा बैट को बोलना चाहिए, उसको बोलना चाहिए. बाकी है कि लेकिन आई सीरियसली बिलीव अगर ऐसा बोला है या नहीं बोला पीसीबी ने, अभी से अनाउंस कर दें कि जी अगले 2 साल तक चाहे जैसा भी रिजल्ट आए इसको आप कप्तानी बनाए रखेंगे, बजाय इसके कि आप म्यूजिक चेयर बना दें कभी किसी को कभी किसी को, गिव इट सम टाइम. तो फिर लेकिन ये कैसे हो सकता है रिजवान? वैसे आपस की बात है, जब तक आप देखें इंश्योरेंस देखें उन्होंने बनाया है ना. हाँ. अब उसको कॉन्फिडेंस देने के लिए, उससे प्रेशर रिलीज करने के, उसको कह दिया कि भाई तू कप्तान है, ठीक है, ये ठीक है ये बात. लेकिन अब ये साथ ये लिख के दिया कि जी 2 साल रह गए, तुम 20 सिफरे करोगे, तुम 4 सीरीज हारोगे फिर भी तुम कप्तान, ये तो नहीं लिखे. नहीं होना चाहिए, मतलब है कि ठीक है हमारी दुआ होना चाहिए, मैच टू मैच होना चाहिए. कप्तानी भी असेस होती है, बैटिंग भी असेस होती है, ऑन फील्ड यू आर द एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान एंड व्हेन यू आर लीडिंग द साइड इट मींस कि आप सारे पाकिस्तान के एक फेस है वहां जाके. देखिए हमारी दुआ है कि वो लंबा अरसा खेले पाकिस्तान के लिए अच्छी परफॉर्मेंस करे, ठीक है. और हम और उसके अलावा अभी फिलहाल तो कोई ऐसा प्लेयर नहीं, हमें उससे कोई ये नहीं है कि जी जाए न्यूजीलैंड को लंबा डाल दे. नो, सिर्फ अच्छा खिलाए, अच्छी क्रिकेट खेले, हार जीत कोई मसला नहीं. चलो 2 साल नहीं या सीरीज नहीं, 2-3 सीरीज का अनाउंस कर दें कुछ उसका. एक तो जो मेरी तो रहेगा, जो मेरी इतना नहीं, लेकिन जवान इससे ज्यादा भी रहेगा, मैं सपोर्ट करता हूं, रहेगा 2-3 सीरीज इसको सपोर्ट करता हूं कि 1 साल के लिए कप्तान है या 2 साल के लिए कप्तान अनाउंस कर देना चाहिए. कर दिया है ये, अच्छा कर दिया, ठीक है, उसका फॉर्मेट ठीक है उसका. देखिए जो मैं पर्सनली फायदा समझता हूं, पाकिस्तान जैसी फ्रेजाइल, इट्स फ्रेजाइल व्हेन इट कम्स टू कैप्टनिंग द पाकिस्तान,
मतलब हर दो दो चार लोग होते हैं हमेशा से हर किसी की डूम के साथ लगे रहते हैं, ख्वाहिश रहती है कि जी हम रहे हम किसी तरह आ जाए। शुएब मलिक नहीं तो यूनुस खान नहीं तो अफरीदी नहीं तो मिसबा, जब मिसबा है तो फिर अफरीदी कह रहे हैं जी 2015 के वर्ल्ड कप में जाने से पहले आप पीसीबी सोच ले भाई मुझे बनाना है या मिसबा को बनाना है, हालांकि कप्तान मिसबा है। तो ये उससे पुरानी, फिर वसीम बकार, शुएब मलिक, वसीम, सारा देखा हमने, सारा हमने देखा, यूसुफ, सब देखा हमने, जावेद, इमरान खान, सब देखा, आसिफ इकबाल। अभी तो टीम में टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब बाबर के पाएगा कोई बैट्समैन या कोई सॉलिड जिस तरह की बाबर आजम की एक टीम में जगह है कि प्लेइंग 11 में कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, तीनों फॉर्मेट में किसी और की इस तरह कोई बात है नहीं। तो अगर इस तरह अनाउंस हो जाए तो फिर जिनकी जो ख्वाहिश अंदर होती भी है उनको पता है कि भाई जब इतने अर्से के लिए है अंदर ही ख्वाहिश को रखे और एज अ टीम हमने खेलना है और बजाय इसके कि इधर उधर की जो बोंगियां ना मारे वो न करें। लेकिन बहरहाल जी बात फोटोशूट से, मुंडा हैंडसम लग रहा था कल, आई होप कि आप न्यूजीलैंड में जाके भी जरा अच्छा ही करें। नहीं नहीं, स्मार्ट, नो डाउट अबाउट दिस माय डियर ब्रदर। अच्छा जी, सियान मंडल साहब का क्वेश्चन था, वो कह रहे हैं कि जी करंट फॉर्म को देखते हुए राहुल के साथ मयंक अग्रवाल को ओपनिंग करनी चाहिए या पृथ्वी शॉ को करनी चाहिए? भाई जी जवाब आप बताए ना, मैं उनसे पाकिस्तान वाला वो साथ है पूछ। राहुल 110% मतलब अग्रवाल के साथ, यस ठीक है, अग्रवाल के साथ आप समझ रहे हैं राहुल की करनी चाहिए पृथ्वी शॉ की जगह। हां हां, अच्छा भाई जान, दूसरा इसका हिस्सा सवाल का इनका है, कह रहे न्यूजीलैंड में क्या शान मसूद के साथ ज़ीशान मलिक ओपनिंग कर सकते हैं और पाकिस्तान को चाहिए कि एक प्रॉपर ओपनर जो है वो ढूंढे और विदाउट इंडिया पाकिस्तान क्या चैंपियनशिप या है टेस्ट की उसका क्या मजा है? दोनों बातों का आप जवाब दे दीजिए। देखिए ज़ीशान मलिक का अभी कहना मतलब है प्रीमेच्योर है क्योंकि अभी वो न्यूजीलैंड जा रहा है, वो ए टीम की तरफ से मैचेस खेलेगा, उसकी परफॉर्मेंस को असेस होगा, गुड प्लेयर है, अच्छा तीनों फॉर्मेट खेल सकता है, हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, लंबी 4 डे क्रिकेट में भी बड़ा रन्स किए हुए हैं, डबल सेंचुरी की हुई हैं। लेकिन अभी देखें फिलहाल मेरा ख्याल है कि शान मसूद के साथ आबद अली ही खेलेगा इन टेस्ट मैचेस के अंदर और वनडे में शायद डिफरेंट या T20 में डिफरेंट ओपनर होगा, लेकिन शान मसूद के साथ अभी आबद अली खेलेगा, हालांकि वो भी थोड़ा सा अब क्वेश्चन होना शुरू हो गया हुआ है, अभी इतना लंबा उसका कोई फेलियर नहीं आया है। लेकिन अब आई डोंट नो कि पाकिस्तान की मैनेजमेंट या पाकिस्तान के सिलेक्टर्स वो क्या सोच रहे हैं फ्यूचर को सामने रख के। ठीक है, इमामुल हक का सोच रहे हैं और क्या सोच रहे हैं, सीधा बताया करें भाई जान, आप ऐसी बात लंबी कर देते हैं जी। अच्छा देखिए, इमामुल हक उसमें भी T20 भी नहीं खेल रहा और टेस्ट में भी रेगुलर नहीं है, ODIs है ही नहीं जिसमें वो रेगुलर खेलता है, लेकिन क्या है तुम में बैठ के, क्या है तुम में बैठ के। नलेश कुमार का इंडियन सुपर लीग जो टीम्स हैं उनके ओनर्स का बता रहे हैं, कह रहे हैं कि ATK सौरभ गंगुली इनके ओनर हैं, फिर चिन्यानियन है, MS धोनी की भी टीम है भाई को, ये गोवा FC विराट कोहली, ये इनको सपोर्ट करते हैं, ये टीम ओनर है कि मेंटोर है, ये क्या है? नहीं, मेरा ख्याल है ओनर है, इनके शेयर है, शाहरुख खान का भी किसी में है, सचिन तेंदुलकर का भी है, केरला में सचिन तेंदुलकर और इनका भी है, कौन सी लीग है, मुंबई इंडियन वाले जो है ना, ये इंडियन सुपर लीग फुटबॉल वाली फुटबॉल लीग है, वो कह रहे हैं जी इंडियन क्रिकेटर्स आर हेल्पिंग टू डेवलप फुटबॉल इन दिस वे एज वेल, चलो जी अच्छी बात है ये, उसकी भी है, ये जो इनका नहीं है जॉन अब्राहम, उसकी भी टीम है एक्टर ले जी। आज है जी गुरबीर सिंह ब्रार साहब की हैप्पी बर्थडे है जी, आज तो तीनों का उन्होंने कहा जी, 3-4 दफा मुझे याद कराया, मैंने कहा फिक्र ना करें गुरबीर सिंह साहब, तो हम उसी जरूर बर्थडे विश करें। ब्रार साहब तानु बहुत बहुत ज्यादा आज दे दिन की मुबारकबाद, हैप्पी रहो ते फिट फाट रहो। बिल्कुल जी, बहुत ज्यादा तानु मुबारक हो जी, आज जन्मदिन इसी तरह हंसते रहो ते वसते रहो और अपनी सेहत का अपने सारा ख्याल रखना। गुरबीर सिंह ब्रार साहब तो जन्मदिन दी शुभकामनावां, अल्लाह ताला भगवान तो लंबी उम्र देवे, सेहत वाली उम्र देवे, खुशियां मनाओ, कहते हैं मैं आपका शो कोई मिस नहीं करता, थैंक यू वेरी मच। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन भेजा था विवेक सिंह रॉयल एनफील्ड ने, लेकिन अभी नहीं ले सकते। नीलेश कुमार का आपने वो टीमों के नाम ले दिए, राहुल अग्रवाल का भी आपने ले दिया, ये हमारे रेगुलर आयुष गर्ग
कोविड 19 हो गया, इन्होंने कहा जी मेरे लिए बहुत ज्यादा दुआ करें। बिल्कुल जी, आपको अल्लाह ताला जल्दी से जल्द से एहतियात करे, अपना ख्याल रखे, स्टे स्ट्रॉन्ग। ऐसा बीमारी भी नहीं है कि मतलब जिसमें वो ज्यादा रिकवरी के वो है, यू नीड टू बी मेंटली स्ट्रॉन्ग एंड जस्ट डोंट ओवर थिंक अबाउट इट। बिल्कुल सही। एंड आई नो सो मैनी पीपल अराउंड मी इन माई फैमिली और इन माई लाइक फ्रेंड सर्कल लाइक हु आर कोविड पॉजिटिव बट नो दे आर फाइन। मेरे बिल्कुल तीन घर छोड़ के था वो माशाल्लाह रिकवर कर गए। यू जस्ट नीड टू बी पॉजिटिव और ज्यादा ओवर थिंकिंग ना करें, इंशाल्लाह यू विल बी ऑल राइट। इंशाल्लाह अपने चैनल रिजवान हैदर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और खुशियां बढ़ाएं, प्यार बढ़ाएं।